नमस्कार साथियों नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली पर बहुत बड़ी खबर है राज्यों में भी बंद होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जिन राज्यों में ओपीएस बाल बहाल हो गई तो है वहाँ बंद बड़ी खबर है दोस्तों क्या केंद्र सरकार ऐसा कुछ नियम ला रही है क्योंकि राज्यों ने बताया नहीं है केंद्र को की कहाँ से वित्त की व्यवस्था करेंगे तो वित्त की जो है समस्या न आए और अन्य आम नागरिकों पर कर का बोझ ना बढ़े तो दोस्तों आइए पूरी खबर जान लेते हैं आप समस्त राज्यों के समस्त कर्मचारी शिक्षक अध्यापक और केंद्रीय कर्मचारी जरूर देखें आइए जानते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर है राज्यों में भी बंद होगी कर्मचारियों की हो पुरानी पेंशन इसके पीछे कारण क्या जानते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की ओर से एक नया अपडेट सामने आ रहा है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्यों में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद होगी ऐसे में खबर में जानते हैं पुरानी पेंशन को बंद करने के पीछे का क्या कारण है हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की असहमति और आपत्तियां सामने आई हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यह आपत्तियां जताई हैं इन्हें आयोग की ओर से सभी राज्यों को भेजा जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में ओ को बंद किया जा सकता है केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो राज्य कहाँ से लाएंगे और क्या जनता पर कर का बोझ डाला जा सकता है तो आइए समझते हैं इन्हीं सब सवालों का जवाब बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में विधानसभा में बजट पेश करते वक्त प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी हाल ही सप्ताह भर पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि एक न एक दिन पूरे देश में सभी राज्यों को यह स्कीम लागू करनी पड़ेगी अब समझते हैं राहुल गांधी ने क्या वादा किया मुख्यमंत्री गहलोत की इस फ्लैगशिप योजना को गुजरात में भी लागू करने का वादा राहुल गांधी कर चुके हैं राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार सीएम गहलोत की इस योजना का जिक्र किया है नीति आयोग की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपत्तियां ठीक उस वक्त सामने आई हैं जब सप्ताह भर में राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है चूंकि अब उत्तर भारत में है यात्रा राजस्थान में इस योजना से इकतालीस हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा गहलोत सरकार के बाद छत्तीसगढ़ पंजाब और झारखंड की सरकारों ने भी इसे लागू कर दिया और अब हिमाचल भी इसमें शामिल हो गया है जब मार्च 2022 में बजट में सीएम एम गहलोत ने इस योजना को लागू किया था तब भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे वित्तीय अनुशासनहीनता करार दिया था अब नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहिए ऐसे में अब देखना यह है कि गहलोत और राहुल गांधी अब केंद्र सरकार का क्या और कैसे जवाब देते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे कर्मचारी वर्ग बड़ा वोट बैंक हर राज्य में कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में करीब सात करोड़ की आबादी में सात लाख कर्मचारी हैं जिनमें से केवल डेढ़ लाख कर्मचारियों को ही ओ का लाभ मिल रहा है एक अप्रैल दो चार के बाद नियुक्त पाने वाले पाँच लाख पचास हज़ार कर्मचारी ओ की मांग कर रहे हैं इन्हें पेंशन का पुराना खबर देने के लिए ही सी एम गहलोत ने ओ को लागू किया है इससे सी एम गहलोत ने एक बड़े वोट बैंक यानी कर्मचारी और उनके परिजन करीब बीस से पच्चीस लाख लोगों को साधा है ये हैं नीति आयोग की आपत्तियाँ राज्यों के पास इस स्कीम को लागू करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है आखिरकार इसका भार केंद्र सरकार पर ही आएगा कर्मचारियों की पेंशन का भार पहले ही ए, पहले की तरह आम नागरिकों पर ही पड़ेगा शिक्षा चिकित्सा परिवहन पानी और बिजली जैसी मूलभूत योजनाओं के बजट में कटौती होगी प्लान राज्यों ने केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं है कि पैसा कहाँ से और किस प्रकार जनरेट करेंगे पहले से ही हजारों करोड़ रुपए के खर्च भार तले दबे राज्य किस प्रकार से यह नया आर्थिक भार उठाएंगे राजनीतिक दलों को यह छूट नहीं दी जा सकती है कि वो वित्तीय अनुशासनता करें और मर्जी आय जैसे वादे चुनावों में करें हर कार्य में निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना जरूरी है अन्यथा सरकारें अपने बोझ से खुद चरमरा रही हैं लुभावनी घोषणा करने से पहले राज्य को अपने आर्थिक संसाधन भी देखने चाहिए राज्य सरकार पेट्रोल पर 50 पैसे भी कम कर केंद्र से मुआवजा चाहती है ओ के तहत हजारों करोड़ रुपए कहां से आएंगे संसद में पेश कानून को राज्यों के स्तर पर इस तरह से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए यह सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ों का नया मोर्चा खोल देगा ओ की कहाँ से हुई थी शुरुआत आइए जानते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 में हुए चुनावों में कांग्रेस की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी प्रियंका ने तब प्रदेश के 22 तेईस लाख कर्मचारियों को सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया था इस वादे को समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने भी कर्मचारियों के सामने रखा था बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई वादा नहीं किया फिर भी यूपी में सरकार बीजेपी की बनी कांग्रेस को दो चार सौ तीन में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली यहीं से प्रियंका गांधी का यह वादा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपनाया बीजेपी शासित राज्यों में ओ लागू नहीं बीजेपी ने ना तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और ना ही किसी भी उस राज्य में जहां उसकी सरकारें हैं वहां पर ओपीएस लागू नहीं की है बीजेपी ने अब तक किसी भी राज्य में चुनावी सभा में ओपीएस लागू करने का वादा भी नहीं किया है मार्च 2022 में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मणिपुर गोवा और पंजाब में भी पार्टियों ने ओपीएस का वादा नहीं किया बीजेपी ने इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी यह वादा नहीं किया अब इस प्रकार से केंद्र सरकार ऐसा कुछ नियम बनाने जा रही है जिससे कि जो राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं वो स्वतः ही बंद हो जाए तो दोस्तों इस पर अपने विचार लिखें इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत